Good evening friends, welcome to Singh Coaching Classes. Today we are going to learn about the present perfect continuous tense. This is the fourth kind of present tense. अभी तक हमने tense की present tense का तीन प्रकार को हमने अलग अलग दो वीडियो में लर्न कर चुके हैं. The one is the present indefinite, present continuous एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लर्न करेंगे. अभी हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पिछले दोनों वीडियो की लिंक को मैं उसमें शेयर कर दूंगा ताकि वो वीडियो उनको कंटिन्यू रहे एंड दे कैन एबल टू लर्न द टेंस इन द सिंपलेस्ट वे. हमारा यहाँ पे यही मोटिव है कि जो भी हम टेंस बनाए वो सिंपल से सिंपल वे में ट्रांसलेशन के लिए और लैंग्वेज के लिए स्टूडेंट्स को और फ्रेंड्स को इजी हो. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस. तो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनेशन यही है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एक्शन. कोई भी टेंस जो है वो एक्शन को ही डिनोट करता है और वो एक्शन मीन्स वर्ब. वो कब होता है? बिगेन विद द सम टाइम. वो काम कभी दूसरे टाइम पे स्टार्ट हुआ मतलब वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू. मतलब कोई ऐसा काम जो पीछे के समय में, जो पास्ट के समय में स्टार्ट हुआ है लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसका अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 years. वो सोना कब चालू किया था? 5 साल पहले, लेकिन अभी भी वो सो रहा है. तो दिस इज फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन. मैं गार्डन में पानी दे रहा हूं, लेकिन कब किया? वो बहुत ही पहले से स्टार्ट था. अभी भी वाटरिंग द गार्डन मतलब 2 घंटे पहले से स्टार्ट किया हो चाहे आधे घंटे पहले से स्टार्ट किया हो, लेकिन अभी भी उसकी इफेक्ट चालू है, देने का काम चालू है. तो दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो अभी ये मेरा इंग्लिश की हो गई, लेकिन जैसे भी मैंने अपने सारे वीडियो में बता रहा था कि लेमैन की अगर भाषा में मैं बोलूं कि ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, मैं उसको कैसे पहचानूंगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है क्या? तो सिंपल सी है, जिस वाक्य के अंत में चला आ रही है, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हो, रहे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एग्जाम्पल, मैं 2 वर्षों से इस घर में रहते चला आ रहा हूं. सीता 2 घंटे से गाना गाते जा रही है. ये सारे वर्ड जो है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिनोट करते हैं. और उनके ये स्ट्रक्चर मतलब उसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं. कोई जो सेंटेंस तो पता हो गया, बीमारी पता है तो दवा होना चाहिए, तो पता होगा कि सेंटेंस क्या है, तो उसको बनाएंगे कैसे. तो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट वन, सिंपल सेंटेंस के लिए अगर कोई सेंटेंस एकदम सिंपल वे में हो, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ाता चला आ रहा हूं, तो उसके लिए क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है वो मैंने बताया है, फिर भी सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, काम करने वाले को सब्जेक्ट. उसके पास हैज ऑब्लिक हैव. अब ये जो है दोस्त, हैज और ऑब्लिक हैव जो है ना, ये यूज करने के लिए हमें फिर से पर्सन्स को मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई और बी, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन दुनिया के सारे वर्ड्स. तो हैज जो है थर्ड पर्सन को यूज करेंगे और हैव जो है फर्स्ट पर्सन को यूज करेंगे. सीधा सी बात है, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन को दोनों को हम हैव यूज करेंगे और थर्ड पर्सन को हैज यूज करेंगे, ठीक है. और विन, ये विन हर में जाएंगे, फॉर्मूला है, प्लस वी फोर. वी फोर मीन्स जो वर्ब की बेसिक रूप, बेसिक रूप मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वी फोर हो गया. जैसे गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो गया, प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो गया, ठीक है. तो फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे वो हमारा वी फोर हो जाएगा. और लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? जिसके ऊपर सब्जेक्ट का रिफ्लेक्ट हो, काम का बोध हो, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे मैं 2 घंटे से गाना गाते आ रहा हूं, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा का हुआ? मैं हो गया सब्जेक्ट, गाना क्या हो गया? भर, ठीक है. और क्या कर रहा हूं मैं? गाना गा रहा हूं, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है. तो दिस इज द ऑब्जेक्ट.
और फॉर निगेटिव सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस निगेटिव में हो तो उसके लिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज और ऑब्लिक हैव, ये दोनों तो सिंपल सेंटेंस, और ये निगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज और ऑब्लिक हैव, ये हैज है सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को जैसे हमने जाना, प्लस निगेटिव है तो निगेटिव है तो क्या करेंगे, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, सीधे नॉट बिन, मतलब बिन के आगे नॉट लगा देंगे, प्लस भी फोर मतलब वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस का। और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहे तो ये हैज और ऑब्लिक हैव बाहर आ जाएगा, हैज ऑब्लिक हैव को निकाल के हम सबसे बाहर रख देंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हुआ हमारा ये। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ये हमारे स्ट्रक्चर है। सम स्पेशल केस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना सिंस और फॉर का भी यूज होता है, हम जब आगे अभी बताएंगे। तो सम स्पेशल केस अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ले रहे हैं तो द एक्शन विच डिस्क्राइब सिंस और फॉर दिस एंड डिनोट्स द प्रेजेंट टाइम वर्ड, अगर जिसमें दिस दिस हेयर नाउ ये सब रहे तो क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को रेफर करता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम ले रहे हैं आई हैव बीन, जो हमने बताया था ना स्ट्रक्चर अपना सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, तो आई हैव लगा क्यों, अपना देखो सब्जेक्ट कौन सा हुआ आई, हैव हैज इसमें नहीं लगाएंगे क्यों, क्योंकि आई इज द फर्स्ट पर्सन, द हैव प्लस बीन तो बीन आ गया, उसके बाद से क्या है लिव रहना तो आई एन जी लग जाएगा फोर्थ में, लिविंग इन दिस हाउस फॉर टू ईयर्स, ये फॉर टू ईयर्स, मैं आपको बताऊंगा अभी कि सिंस कहाँ लगाएंगे और फॉर कहाँ लगाएंगे अभी मैं बताऊंगा। दूसरा सी हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, सी है तो यहाँ पे हैज लगा, वॉशिंग सिंस मॉर्निंग, ये तो फॉर और सिंस का जो डिफरेंस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर मैं लिखवा दूं तो अगर आप ये लिख सकते हैं तो भी सिंस और फॉर के लिए नहीं, मैं आपको एक अलग से ही इसमें आपको लिख करके देता हूं। तो यस डियर फ्रेंड, हमने जो बोला कि सिंस और फॉर यूज होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सेंटेंस में, तो क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि कब सिंस यूज करना है और कब फॉर यूज करना है, बिकॉज द सेंटेंस तो वही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, पहचान भी सेम है, लेकिन सिंस और फॉर ये दो वर्ड्स हैं जो कन्फ्यूजन के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं और आगे के लेवल तक में भी कन्फ्यूज ही होते जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये मैंने क्लियर किया है, ये याद रखो। फर्स्ट चीज द यूजिंग ऑफ सिंस एंड फॉर में फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर कहाँ के लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वेयर करेक्ट टाइम, ये देखना दोस्त ये जो है अपना सबसे इंपॉर्टेंट है, वेयर करेक्ट टाइम, टाइम तो है लेकिन करेक्ट टाइम वहां पे नहीं है, दो घंटों से चार घंटों से वर्षों से ये सब टाइम तो दिया रहेगा, मैं आज पाँच घंटों से, अरे पाँच घंटों से कब से, सुबह में छः बजे से या शाम को पाँच बजे से पाँच घंटा, ये टाइम वहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा, करेक्ट टाइम इज नॉट काउंटेबल, वहाँ पे करेक्ट टाइम नहीं है तो वो हमारा फॉर की यूज होगा। जैसे एग्जांपल ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर टू आवर्स, वेटिंग फॉर मी फॉर टू, ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी सॉरी For two hours, sorry, not from, for two hours. He has been waiting for me. वो मेरे लिए वेट कर रहा है कब से, दो घंटे से, लेकिन वो दो घंटा कब से, सुबह में दोपहर में दो बजे से चार बजे से, ये टाइम हमारा यहाँ पे फिक्स नहीं है, so here we use for. Another example, if we take, I have been living in this house for two years. मैं यहाँ पे इस घर में दो साल से रह रहा, लेकिन कौन से दो साल, 2020 में 1998 या 1945, ये क्लियर नहीं है तो टू इयर्स। अब नाउ सिंस का यूज कहाँ पे होता है, सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, ये देखो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, जैसे चार बजे से छः बजे से 1982 से 2020 से, जहाँ पे एकदम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो,
ठीक है, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग इन होम, चाहे ऑफिस कहीं भी। सेकेंड, ही हैज बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 1992, वो इस जगह पे कब से है, 1992 फिक्स है, 1992 से है, तो वो वहाँ पे रह रहा है, इसीलिए सिंस का यूज हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या देखा, सिंस और फॉर की जो हमने यूज है वो देख लिया। अभी एक चीज, मात्र एक ही वर्ड अभी बचा है, एक टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, द एक्शन विच स्टार्ट विथ। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ड ही जो है, सेंटेंस जो है, एक्शन सेंटेंस से स्टार्ट होता है, सिंस व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग, तो उसके लिए अगर रहे तो वो ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि सिंस व्हेन हो गया और फॉर हाउ लॉन्ग हो गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही पार्ट से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को ही रिफ्लेक्ट करता है, उसको शो करता है। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, सिंस व्हेन, कब से हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, ठीक है, तो सिंस व्हेन मतलब तुम कब से मुझे वेट कर रहे हो, टाइम वहाँ पे भी नहीं पता है, तो सिंस। फॉर हाउ लॉन्ग, अगर ऐसे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस क्वेश्चन मार्क, वो तो आप इस घर में कब से रहते आ रहे हो, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, तो उसके आंसर रहेंगे आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर, हाँ तो फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कोई, तो मैं उसका आंसर क्या दूंगा, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए रहेंगे, तो इसमें हमें सिंस और फॉर लॉन्ग हाउ लॉन्ग का ये रहेगा। तो दोस्तों, अभी जो हमारा प्रेजेंट टेंस की जो जितने जो काइंड्स थे, 4 काइंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये चारों भाग उसके प्रेजेंट टेंस के हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो अभी मैं अगली इस वीडियो में कल पास्ट टेंस को कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे पास्ट टेंस में अभी ऐड इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि फिर क्या होगा कि प्रेजेंट टेंस खत्म, फिर इसी वीडियो में पास्ट टेंस को रखूंगा, तो हमारे जो नया व्यूअर्स चाहे नए हमारे जो दोस्त आएंगे तो फिर वो पूरे पास्ट टेंस को एक सीरीज नहीं ले पाएंगे, इसलिए कल जो हम है पास्ट इंडेफिनिट से चालू करेंगे। तो पास्ट टेंस से चालू करेंगे, उसके भी 4 प्रकार होते हैं, जैसे भी मैं अभी बता दे रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उस चारों का भी हम उसी तरीके से पूरी सेंटेंस की क्या क्या स्ट्रक्चर है, उनको कैसे हम पहचानते हैं, फिर उनके ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, कुछ उनके स्पेशल केसेज आएंगे, स्पेशल रूल्स आएंगे, वो हम कल अगले 2 वीडियो में पूरी पास्ट टेंस को कवर करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। और मैं पिछले अपने वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट शेयर किया था, इसमें भी मैं अभी प्रैक्टिस सेट आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप मोर टू मोर प्रैक्टिस, मैं बिकॉज वी नो डेट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो, थैंक यू।